तो हमने अपलोड करी हुई है साउथ इंडियन डोसा जो कि ट्रेडिशनल वे में बनता है उसकी रेसिपी ऑलरेडी। तो आज बहुत डिमांडिंग टॉपिक है जो कि है हमारे किसी व्यूअर ने पूछा है कि इंस्टेंट डोसा कैसे बनाया जाए, तो उनकी ये डिमांड पर मैं बना रही हूँ इंस्टेंट डोसा जो कि बहुत 10-15 मिनट में बन जाता है। एक मिक्सर जार लिया है, उसमें आधा कप सूजी डाल रही हूँ जिसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब दो इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे। एक चम्मच हम डालेंगे इसमें चावल का आटा और एक चम्मच हम डालेंगे इसमें गेहूं का आटा जो कि एक बाइंडिंग देगा इसको। तो बस और कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप आराम से बना सकते हो इसको, बिल्कुल आसान रेसिपी है। तो अगर आपको साउथ इंडियन डोसे की रेसिपी चाहिए प्रॉपर ट्रेडिशनल तो वो भी है हमारे चैनल पर। दो चम्मच घी या तेल को तेज़ गरम करके इसमें डाल दीजिए और अच्छे से चला दीजिए। तेल काफ़ी तेज़ गरम होना चाहिए घी या तेल। और आधा ही कप हमने सूजी ली थी ना, तो आधा ही कप हमने दही लिया है, गाढ़ा वाला आधा कप दही। और ये मैं पानी से घोल रही हूँ इसको। पानी आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि उसमें दही डाला हुआ था पहले, तो वाइट लग रहा है, बट ये पानी है। पानी से इसको अच्छे से हम घोल देंगे ताकि ये सारा आपस में मिल जाए, क्योंकि सूजी को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है तो वो बहुत जल्दी फूल जाएगी। नमक डाल रही हूँ, नमक डाल देंगे इसमें। और ना इसको हमने आधा घंटा 15 मिनट, आधा घंटा आप सेट होने के लिए रख दीजिए, 10 मिनट भी बहुत हैं, बट अगर आप थोड़ा सा कर सकते हैं तो थोड़ा टाइम रख दीजिए इसको। और ये पानी से कंसिस्टेंसी सेट कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक या दो चुटकी मीठा सोडा डालना है हमने, तो एक चुटकी भी बहुत है मीठा सोडा डाला है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। अच्छे से हल्का सा पानी डाल के इसको चला दीजिए। तवा ही ले रही हूँ, आम तवे पे डोसा बना के दिखा रही हूँ। ऑयल लगाया सबसे पहले, किसी कपड़े से साफ़ करा, और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस पर पानी के छींटे डालेंगे ताकि बहुत तेज़ इसको, बहुत तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए तवा और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये डाला हमने डोसा का बैटर, तो इसको फैलाइए। देखिए लग रहा है ना ट्रेडिशनल वाला डोसा जो कि चावल और उड़द दाल से बनता है। और उस चावल उड़द दाल के जो बैटर की रेसिपी है वो भी हमारे चैनल पर है। आसपास घी लगा दीजिए हल्का सा, ऊपर भी, जब ब्राउन हो जाए ना सेंटर में से इस तरह से निकालिए। ये थोड़ा सा टूट गया था क्योंकि ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है ये बहुत। और मैं एक और डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों तरफ से कितना सुपर्ब सा क्रिस्पी एंड क्रंची डोसा हमारा बन गया है। तो इसको एक और डाल के दिखा रही हूँ, पानी डाला टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और ये मैंने करछी की हेल्प से इसको फैलाया, कितना अच्छे से फैल रहा है देखिए। और थोड़ा सा ना मीठा सोडा देख के डालिए, अगर आप मीठा सोडा वगैरह ज़्यादा डाल लेंगे तो मीठे सोडे से आपका जो बैटर है वो कड़वा हो जाएगा, तो देख कर डालिए। और ये देखिए कितने अच्छे बीच में देखिए आप होल्स आए हैं, तो आराम से निकल गया है। वो पहला था इसलिए मैंने आपको दिखाया कि घबराइए नहीं, डोसा हमेशा प्रैक्टिस से आता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया डोसा बन गया है। तो बस परोसिए किसी भी चटनी या सांभर के साथ, मैंने कोई स्टफिंग नहीं करी है। स्टफ डोसा की रेसिपी चाहिए वो भी है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हो साउथ इंडियन रेसिपीज़ नामक प्लेलिस्ट में। तो ये देखिए कितना मज़ेदार है। तो ये मेरे पास चटनी पड़ी हुई थी शेजवान चटनी, उसके साथ मैंने सर्व कर दिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।